ईंधन के बढ़ते दाम, महंगाई और सरकारी संपत्तियों से धन बनाने के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने चेताया है कि अगर सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम नहीं उठाए तो वो देशव्यापी आंदोलन करेगा। शुक्रवार को बीएमएस ने नई दिल्ली में एक विज्ञप्ति में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए तो हर जिले में आंदोलन और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पीएमसी की महाराष्ट्र में विदर्भ इकाई की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इसके तहत 9 सितंबर को देश के हर जिले में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। संयोग से बीएमसी का एक बयान ऐसे वक्त पर आया जब यहां आरएसएस से जुड़े संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक चल रही थी। वीएमएस ने आगे बताया कि औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। आरएसएस से संबंधित संघ की ओर से ये भी मांग की गई है कि पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी के तहत लाया जाए और वर्तमान प्रणाली जहां उनकी कीमतों में हर रोज उतार चढ़ाव होता है को समाप्त कर दिया जाए। बीएमएस ने आगे मांग की है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देकर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए और महंगाई की मार झेल रही श्रमिकों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाकर मुआवजा दिया जाए। हालांकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपने ही संगठन की ये बातें कब तक मानती है ये देखना होगा।